कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेनिश मूवी माद्रिद के बारे में, जो कि रिलीज़ हुई थी 1987 में। ये कहानी है एंजला नाम की एक लड़की की, जो कि मिगेल नाम के एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिगेल को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहा होता है। वो एक फेमस राइटर होता है। तभी वहाँ एंजला आती है। वो मिगेल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। वो भी एक अच्छा राइटर बनना चाहती है। वो मिगेल का इंटरव्यू लेने आई होती है। वो मिगेल को अपना आर्टिकल भी दिखाती है, जिसको देख के मिगेल उसे एडवाइस करता है कि उसे उसकी राइटिंग शॉर्ट और यूनिक रखनी चाहिए। मिगेल उसे अपने कोट में से एक चाबी निकालने को कहता है, जो कि उसके एक पेंटर फ्रेंड के घर की होती है। उसका फ्रेंड 2 दिन के लिए वेकेशन पे गया होता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि इंटरव्यू के बीच कोई भी डिस्ट्रक्शन होने के बीच, तो उन्हें वहाँ चलना चाहिए। उसके फ्रेंड के घर में बहुत सी पेंटिंग्स होती हैं, तो मिगेल कहता है मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके ख़त्म होने के बाद हम उनके कलर को फील कर सकते हैं। और बात करते करते वो एंजला को किस करने लगता है। किस करने के बाद वो कहता है कि अब किस करने में भी वो बात नहीं रही। एज के साथ साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर वो एंजला को कपड़े उतारने को कहता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, मुझे भी इसके बदले कुछ मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी ओर फिजिकली अट्रैक्ट हूँ, अब मैं किसी लड़की को सेड्यूस नहीं कर पाता। जवानी की बात कुछ और थी। और एंजला उसकी बकवास सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। पर कुछ सोचने के बाद एंजला अपने कपड़े उतार के मिगेल के सामने आ जाती है। मिगेल उसकी बॉडी पे पेंटिंग करने लगता है। कुछ देर बाद एंजला शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। मिगेल भी उसके पीछे पीछे कपड़े उतार के वहाँ पहुँच जाता है, और वो भी शावर लेने लगता है। और वो उससे कहती है उसे ये सब नहीं पसंद, और वो वहाँ से जाने लगती है। मिगेल को भी ये सब सुन के बुरा लगता है। पर जब एंजला डोर खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता। वो डोर अब जाम हो चुका होता है। बाथरूम में खिड़की होती है, तो एंजला वहाँ से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर मिगेल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि वो दोनों एक साथ बाथरूम में हैं, तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और वो एक फेमस राइटर भी है, तो उसकी बदनामी भी होगी। वो कहता है कि मेरा फ्रेंड 2 दिनों के लिए वेकेशन पे गया है, जिसको सुन के एंजला कहती है अगर मैं 2 दिनों तक घर नहीं पहुँची तो मेरे घर वाले पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। तो अब मिगेल भी बाहर आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं सुनता। हार मान के दोनों वापस वहीं खड़े हो जाते हैं। बातों बातों में मिगेल एंजला से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो उसे बताती है कि वो मिलिट्री में है। वो उसे उनका नाम भी बताती है। तो मिगेल उन्हें जानता था, वो उसकी बड़ी बहन को भी जानता था। वो बताता है कि उनके बीच 17 साल का डिफरेंस है। उसकी बहन जब एक्टिंग क्लासेस में थी तो मिगेल और उसकी बहन फ्रेंड हुआ करते थे। वो उसको लाइक भी किया करता था। वो कहता है तुम्हारी बहन और पापा में नहीं बनती थी, वो हमेशा झगड़ते रहते थे। जिसके जवाब में एंजला कहती है उनमें अभी भी नहीं बनती। मिगेल कहता है अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम एक साथ इस हालत में हैं तो वो क्या सोचेगी। उसकी बहन एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, उसने ही एंजला को मिगेल का नंबर दिया था। एंजला कहती है मेरी बहन को लगता है तुम एक ओवररेटेड राइटर हो, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तो वो कहता है क्या तुम अब भी मेरा इंटरव्यू ले रही हो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, बस ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू एंड कैसे होता है। और उससे टच करने लगता है, पर एंजला उससे दूर जाके खड़ी हो जाती है। वो कहती है मुझे बस घर जाना है, उसे उसके साथ कुछ नहीं करना। मिगेल भी अब यहाँ से निकलना चाहता था। फिर मिगेल उससे कहता है कि अगर हम यहाँ कुछ नहीं करते फिर भी लोगों को लगेगा कि उनके बीच कुछ हुआ है, इससे बढ़िया उन्हें कुछ कर लेना चाहिए। और अब ये सुन के एंजला भी मान जाती है, और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंजला को भूख लगने लगती है। मिगेल कहता है कि उसे लोगों को खाते हुए देखना पसंद है। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मिगेल खिड़की से बाहर आवाज़ लगाता है, और वो उसके दोस्त लुइस को कॉल लगाने को कहता है। थोड़ी देर बाद लुइस वहाँ आके डोर ओपन करता है और उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि वो उसे बताना भूल गया था कि डोर खराब है। जाते जाते एंजला मिगेल से कहती है
कि जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट था, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो वहाँ से चली जाती है और मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।